पता है ना, ये हमें 15 बातें 5 बातें रिकॉर्ड हमने ये समझ लिया, जमाते निकाल दी, हम समझते हैं बस सब कुछ ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग अपनी जिंदगी नहीं बदल रही। पंद्रह बातें जागने की सोने के, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा लिखो, अब मेरे पास सुनो, नोट कर लो सारे, सुनो अब ना, चार चार याद करो, चार चार याद करो, चार चार करके। मौल साहब रिकॉर्ड हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। ए चार आदाब सोने के, चलते फिरते पूरे कर लेने, चार चलते फिरते, चार बैठे बैठे, चार लेटे लेटे, इस तरह करके मैंने ना ये जोड़ियां बनाई है। सही मौल साहब, चार चार करके ऐसे जोड़ियां बनाई है ताकि जो है ना उस जहन में बैठ जाए। सही हाजी, चार चलते, चार चलते फिरते, चार बैठे बैठे, चार लेटे लेटे। जी मौल साहब, नंबर नंबर एक वुजू करके सोना। जी मौल साहब, नंबर दो दो रकात सलातो तौबा पढ़ के सोना। जी जी, नंबर तीन बिस्तर को झाड़ के सोना। जी जी, नंबर चार सीधे पांव से बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्तर पर आना। बेहतर, ये चार हो गए चलते फिरते। सही, अब चार बैठे बैठे बिस्तर पर जब जाते ना, लेटो मत, थोड़ी देर बैठ जाओ। जी, तो बैठ जाओगे तो फिर 33 तस्बीहात फातिमा पढ़ लो। तीन कुल आखिर के तीन मरतबा अपने ऊपर पढ़कर दम कर लो। जी बोल साहब, उसके बाद जो है ना अपने सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ लो। मौल साहब बोलते रहे, रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद जो ना आयतुल कुर्सी और कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लो, ये चार हो गए बैठे बैठे। और उसके बाद जो ना चार लेट लेट दाहिनी करवट लेट कर, दाहिनी करवट लेट कर कलमा पढ़ लो, दुआ पढ़ लो और तीन मरतबा इस्तगफार पढ़ लो और सबको माफ कर दो। ये हो गए 12 आदाब कम अज कम, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 12 आदाब कम अज कम हर साथी को याद करा दो और हर साथी से रोजाना अमल करवाओ इन पर। जी मौल साहब, इसी तरीके से उठने के 5 आदाब हैं, उठते ही दो बिस्तर पर, तीन बिस्तर के और तीन बिस्तर से उठने के बाद, दो बिस्तर से उठने के बाद के। सही, नंबर एक कलमा पढ़ना 3 मरतबा। अच्छा, नंबर दो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना 3 मरतबा। नंबर चार तीन आंखों को मलना, आंखों को मलना, समझ गए। नंबर एक 3 मरतबा कलमा पढ़ना, नंबर दो 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, और अगर दुआ याद हो तो दुआ भी पढ़ लेना, और उसके बाद आंखों को मलना अंगूठों की पुश्त से, और उसके बाद दो बिस्तर से उठने के बाद के हैं वो क्या है, हाथों को धोना और मिसवाक करना। ये 5 आदाब हो गए उठने के। जी मौल साहब, 6 आदाब हो गए घर में दाखिल होने के। फरमाइए। 6 आदाब घर में दाखिल होने के, नंबर एक दरवाजा बजाना, नंबर दो बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर तीन सीधे पांव से दाखिल होना, नंबर चार सूरह इखलास पढ़ना, और नंबर पांच दुरूद पाक पढ़ना, नंबर छः नंबर छः नंबर एक दरवाजा बजाना, नंबर दो सलाम बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर तीन सीधे पांव से दाखिल होना, नंबर चार सलाम करना, नंबर पांच सूरह इखलास पढ़ना, नंबर छः दुरूद पाक पढ़ना। ये 6 आदाब हैं घर में दाखिल होने के, जगह जगह इनको बयान करो और बच्चे बच्चे को याद कराओ, जाओ अपना खाता खोलते जाओ, आपके कहने सुनने से कोई भाई अगर अमल पर आ गया तो आपकी नजात का जरिया बन जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से दावत के लिए अल्लाह यानी उम्मत दावत पर आ जाए, इसके लिए ना 5 असबाब हैं। नंबर एक लोगों के पास चलकर जाना, नंबर दो सलाम पूरा करना, नंबर तीन दोनों हाथों से मुसाफा करना, नंबर चार अपना तारुफ कराना, नंबर पांच और उनकी खैर खैरियत पूछना, नंबर पांच मुस्कुरा कर बात करना। बात शुरू करने के लिए अपने नए नए साथियों को ना ये बातें सब मालूम है,
ये तरीका होता है याद करवाने का, याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ। ये बातें आप जब मिंबर प्राइमिन जाओगे ना, सारे बुजुर्ग कर रहे होंगे अल्लाह के फजल से, लेकिन सिर्फ याद करवाना का तरीका सलीका होना चाहिए। ये अब हमारी जिम्मेदारी होती है। बुजुर्गों के पास थोड़ा टाइम होता है, वो थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा बात कर लेते हैं, हमें थोड़ी बात थोड़े समझान याद करानी पड़ती है साथियों को। उसमें क्या है, नंबर एक अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें और आपको नबी अलैहिस्सलाम का उम्मत ही बनाया, अल्लाह ने हमें आपको कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी फरमाया। अब ये छह नंबर बयान करो, हर नंबर के फजाइल बयान करो, फिर आखिर में तस्कीर करो। तस्कीर की तरतीब क्या, सबसे पहले उनसे तौबा करवाओ, क्योंकि पिछली जिंदगी पर हम तौबा करें, हमने दीन सीखा नहीं, दीन पर अमल किया नहीं, दीन आगे पहुँचाया नहीं। दूसरा जी मोल साहब, अच्छा जी, ये थोड़ी सी बात पूछते हूँ, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा ठीक है जी, तो अब ये ना अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह पाक, अच्छा तश्कील करनी है, पिछली जिंदगी पर तौबा करें, आयदा जिंदगी सही गुजारने का अजम करवाना है, और नगद उनको वसूल करना भी, कुछ ना कुछ वक्त नगद दे दो, चार महीने चिल्ला से रोजा जमात की नुसरत, कुछ ना कुछ नगद हरकत में ले लो उसके। क्यों बोल रहे हैं, ठीक है जी।